What is reading of spring balance in A and B, in figure A and B? And what is expansion in spring? दोनों में expansion भी बताना है, spring में दो-दो cases में, और reading क्या होगी वही बताना है। तो अगर figure A की बात करें तो मान लो इसमें expansion थी x, तो kx equal to क्या हो गया, mg के equal है, तो expansion तो आ गई mg by k। तो expansion जो पूछ रहा है वो इस केस में कितनी है, mg by k, और रीडिंग कितनी होती है, जो स्प्रिंग फोर्स होती है। तो दिस इज रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग कितनी शो होगी, के एक्स के बराबर, मतलब एमजी के बराबर शो हो जाएगी रीडिंग। इसकी बात करें तो क्या होगा, अब ये जो टेंशन है टी, यहां पे टेंशन होगी स्प्रिंग में, वो किसके इक्वल है, स्प्रिंग फोर्स। मान लो इसमें इलांगुएशन वाई थी, तो के वाई, ठीक है, तो के वाई कितना हो गया, अब जो टेंशन मान लो के वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं के वाई माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट, ग्राउंड फ्रेम इक्वेशन लिखी है, तो ये कितना हो गया, के वाई इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नॉट। तो रीडिंग तो हो जाएगी के वाई, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होती है रीडिंग, तो रीडिंग तो ये हो जाएगी। तो रीडिंग ज्यादा आ रही है इसमें, पहली बात तो ये हो गई, यहां पर रीडिंग कितनी आ रही थी एम जी, और यहां रीडिंग कितनी आ रही है इतनी। एक्सपेंशन कितनी आएगी इसमें, एम जी प्लस एम ए नॉट अपॉन के, ये रीडिंग आएगी इसमें। तो रीडिंग भी वहां पर तो एम जी बाई के थी, यहां रीडिंग बढ़ गई, तो सॉरी एक्सपेंशन जो है यहां पर बढ़ गई और रीडिंग भी बढ़ गई, यहां ये रीडिंग है, यहां ये रीडिंग थी, तो ये भी बढ़ गई रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की, और एक्सपेंशन भी बढ़ी है। पहले एक्सपेंशन ये थी स्प्रिंग में, और ये इलोंगेशन बोलो या एक्सपेंशन, इलोंगेशन बोलना चाहिए, तो पहले इलोंगेशन ये थी, अब कितनी है ये, तो कितनी बढ़ गई, एम ए नॉट बाई के बढ़ गई। अच्छा तो सॉल्व हो गया, अब इस पे आ जाओ। FL is applied when F1 is applied on spring, its length is L1। अब ये किस तरह का स्प्रिंग होगा, मतलब फोर्स कैसे अप्लाई करोगे, मान लो ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है, यहां पे ये अटैच है, कनेक्टेड है, तो यहां पर अगर मैं F1 लगा रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये भी F1 से इसको रोकेगा, तो इसमें इलोंगेशन आएगी। अब एक ही तरफ से F1 तो नहीं लग सकती ना, दोनों तरफ से F1 लग रही होगी तभी तो इलोंगेशन आएगी, तो ये तो खुद सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस है। तो इसमें इलोंगेशन मान लो कितनी है, इसमें इलोंगेशन आई होगी, तो मैं बोल सकता हूं F1 अगर नेचुरल, सपोज लेट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ इज L0 है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L0 मान ली, तो F1 कितनी लग रही होगी, K इंटू इलोंगेशन, यही होती है स्प्रिंग फोर्स। इलोंगेशन कितनी हो जाएगी, अप्लाई इसकी लेंथ जो है L1 हो गई, तो इलोंगेशन कितनी होगी, L1 माइनस L0। भाई F1 फोर्स लगाई तो ये कह रहा है कि L1 लेंथ आ गई, अब ये L1 लेंथ तो बढ़ी हुई लेंथ है ना, L0 थी नेचुरल लेंथ, तो L तो कितनी बढ़ी होगी है, L1 माइनस L0 ये इलोंगेशन होगी, तो फोर्स इक्वल टू के इंटू इलोंगेशन आ गया। इसी तरह से F2 कितना आ जाएगा, के इंटू L2 माइनस L0 आ जाएगा। अच्छा फिर इसने कहा है F2 थी L2, व्हाट इज लेंथ इफ F3 इज अप्लाइड, अगर F3 अप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, के L3 हो जाएगी ये लेंथ माइनस L0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये L3 निकालना है, L3 तो तब निकालूंगा ना जब के भी हमारे पास नहीं है और L0 की वैल्यू भी आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर दो, F1 बाय F2 कर दो, F1 बाय F2 करोगे तो क्या, इससे क्या फायदा होगा कि के तो कैंसिल हो गया, L1 माइनस L0 अपॉन L2 माइनस L0। अब यहां से क्या करो, L0 निकालो, एक ही वेरिएबल, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है L0, तो यहां से L0 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो L0 की मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, देख के बता देता हूं आपको जल्दी से, तो इसमें L0 की वैल्यू आ जाएगी, L0 की वैल्यू कितनी आ रही है, F1 L2 माइनस F2 L1, माइनस F2 L1 और अपॉन F1 माइनस F2। सोल्व करोगे इसको, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो F1 L2, देखो यही आ रहा है, माइनस F1 L0 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और L0 की वैल्यू ये आ जाएगी, F1 L2 माइनस कितनी आ रही है, F1 L2 माइनस F2 L1 अपॉन F1 माइनस F2। अच्छा अब क्या करो, हमें तो L3 निकालना है, अब क्या करो F3 बाय F2 कर दो, अब क्या कर दो F3 बाय F2
एफ थ्री बाय एफ टू कर दो तो क्या मिल जाएगा, फिर से के कैंसिल हो गया तो ये आ गया एल थ्री माइनस एल नॉट को मान लो एक्स है तो एल थ्री माइनस एक्स हो गया और ये कितना हो गया एल टू माइनस एक्स हो गया एल टू माइनस एक्स। अब यहां से क्या करो एल थ्री निकाल लो इन टर्म्स ऑफ एक्स, एल थ्री कितना आ रहा है सॉल्व कर लो इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा ना, एक ही वेरिएबल है इसमें, ये भी गिवन है तो ये सब चीजें पता है। यहां से एक्स निकाल लो सॉरी एल थ्री निकाल लो, एल थ्री आ जाएगा एक्स की टर्म्स में और एक्स को फिर ये पुट कर देना, एल थ्री कितना आ रहा है बता भी देता हूं, एल थ्री इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एफ थ्री एल टू, एफ थ्री एल टू प्लस एफ थ्री एल टू प्लस प्लस कितना आ रहा है एफ थ्री एल टू प्लस एफ टू माइनस एफ थ्री इंटू एक्स, एफ टू माइनस एफ थ्री इंटू एक्स और अपॉन में एफ टू ये आ रहा है। अब यहां पर x की वैल्यू ये पुट कर दो, ठीक है एल नॉट था ना ये x, तो x की वैल्यू जो एल नॉट माना था हमने उसको यहां पुट कर दो तो ये एल थ्री मिल गया, ठीक है एफ थ्री एल टू प्लस एफ टू माइनस एफ थ्री इंटू एक्स अपॉन एफ टू, ठीक है तो ये पुट करेंगे तो मिल गया। अच्छा अब आ जाओ इन क्वेश्चन पे, अब ये क्या है स्ट्रिंग को या स्प्रिंग को कट करने वाले क्वेश्चन है और एक्सेलरेशन पूछी है तुरंत कट करते ही। अब देखो फर्स्ट पार्ट, स्ट्रिंग इज कट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिगर ए में और फिगर बी में स्ट्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग कहां पर है फिगर ए में तो यहां पर है और फिगर बी में यहां पर है, तो पहले फिगर ए को देख लेते हैं, स्ट्रिंग को कट किया है ठीक है, स्प्रिंग को नहीं किया स्ट्रिंग को किया फिगर ए में और बी में, और जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सेलरेशन ऑफ बोथ मासेस बताना है। अब मैं अगर इसको कट कर दूंगा ठीक है तो ये टेंशन तो जीरो हो गई मेरी, लेकिन ये तो अभी जितना खिंचा हुआ था उतना ही रहेगा, तो बिफोर कटिंग अगर देखें, बिफोर कटिंग मतलब दैट इज एट इक्विलिब्रियम, अभी ये इक्विलिब्रियम में है कट नहीं किया तो अभी क्या चीज है देखो ये के एक्स अगर इसमें एलोंगेशन है एक्स एलोंगेशन है मान लो तो के एक्स किसके इक्वल है टू एम जी प्लस टेंशन, ये टेंशन है टी ठीक है इसके इक्वल है और ये टेंशन बैलेंस कर रही है mg को, तो t को यहां mg पुट करोगे तो kx कितना आएगा 3mg आ गया ठीक है, टेंशन कितना आ गया सॉरी kx कितना आ गया 3mg, तो अब जब इसको कट करेंगे तो ये अभी भी kx ही है, ये एकदम से ये इलोंगेटेड रहेगा एकदम से जीरो नहीं होता ये, तो ये kx लग रहा है kx है 3mg के बराबर ठीक है 3mg दिस इज kx, तो दिस माइनस 2mg कट करने के बाद बता रहा हूं ये जस्ट आफ्टर कटिंग 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma हो जाएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी m से m कैंसिल हो गया तो ये 3g माइनस 2g इज g, तो a कितनी आ गई g बाय 2 आ गई, ये किसकी एक्सेलरेशन आई है जस्ट आफ्टर कट आई है 2m की ठीक है, और ऊपर की तरफ आई है, ऊपर की तरफ कितनी एक्सेलरेशन आ गई इसकी g बाय 2। अच्छा चलो इसकी तो निकाल ली हमने जस्ट आफ्टर कट पता चल गई ऊपर की तरफ g बाय 2 है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, अब ये टेंशन जो है इसको कट करते ये जीरो होगी, टेंशन जीरो हो जाती है इंस्टेंटली, कट कर दिया टेंशन जीरो होगी, कट करते ही जीरो होगी, तो अब ये क्या होगा इसका फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल होगा तो mg जो वेट है दिस इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई इसकी फ्री फॉल में नीचे की तरफ g आ गई ठीक है, तो g बाय 2 और g आ गई, उसकी g बाय 2 अपवर्ड है और इसकी g बाय 2 अपवर्ड है और इसकी कितनी है 2m की, तो कितनी है g बाय 2 अपवर्ड है ठीक है और इसकी g नीचे की तरफ है m की कट करते ही। अच्छा अब आ जाओ सेकंड पे, इस वाले में देखो स्ट्रिंग कट करेंगे तो स्ट्रिंग कट कर दिया तो क्या होगा, ये तो इलोंगेशन अभी जितनी है उतनी रहेगी ना, तो बिफोर कटिंग एट इक्विलिब्रियम मतलब बिफोर कटिंग बोलो या एट इक्विलिब्रियम बोलो, तो ये क्या था के एक्स ठीक है, अगर इसमें इलोंगेशन एक्स है तो के एक्स इक्वल टू 4g था और ये 5 किलोग्राम इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ये जो टेंशन टी है टी इज इक्वल टू कितना होगा 5g प्लस के एक्स हुआ, मतलब 5g प्लस 4g हुआ, मतलब टेंशन कितनी हुई 9g हुई ठीक। अब क्या किया टेंशन को कट कर दिया तो ये तो जीरो हो गई, टेंशन जस्ट आफ्टर कट कितनी हो गई जीरो, टी इक्वल टू जीरो हो गया,
लेकिन ये तो इलोंगेटेड है अभी, ये किसके इक्वल है, ये तो इलोंगेशन में है ना, जस्ट आफ्टर कट ये एकदम से जीरो नहीं होता, इसमें टेंशन रहती है, स्प्रिंग खिंचा हुआ रहेगा, तो इसमें कितनी फोर्स है 4g, ठीक है, इसमें 4g है जस्ट आफ्टर कट है, ठीक है, जस्ट आफ्टर कट इसमें 4g है, तो इस 5g पे कितनी फोर्स, ये जीरो हो चुका है और यहां पे 4g फोर्स है नीचे की तरफ, तो अब मैं बोल सकता हूं 5g प्लस kx इज इक्वल टू 5 है, और kx दैट इज 5g प्लस kx इसके इक्वल है 4g के, दैट इज इक्वल टू 5 है, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg जस्ट आफ्टर कट कितनी बन गई 9g/5, तो इसकी जस्ट आफ्टर कट नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 9g/5, अच्छा अब ये कितनी है ऊपर 4g जस्ट आफ्टर कट इसमें अभी रहेगी, तो kx और ये कितनी है 4g, तो kx माइनस 4g इज सॉरी 4g माइनस kx अगर हम करें इज इक्वल टू mg क्यों कर रहे हो 4g करो ना 4g माइनस kx इज इक्वल टू 4a, अच्छा अब ये kx तो 4g के इक्वल है जस्ट आफ्टर कट, तो ये जीरो हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस 4 kg इज जीरो, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो जस्ट आफ्टर कट, तो जस्ट आफ्टर स्प्रिंग कट इसकी एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड हुई 9g/5 और इसकी एक्सेलरेशन क्या हुई जीरो जस्ट आफ्टर कट, अच्छा अब इस पे आ जाओ, स्प्रिंग इज कट फ्रॉम इट्स इक्वली, अब की बार क्या किया स्प्रिंग को कट कर दिया, ठीक है ये स्प्रिंग को कट कर दिया, तो फिर अब जब स्प्रिंग को ही कट कर दिया तो इसकी तो ये kx जो है जीरो हो गया, स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगी इस केस में, ठीक है बिफोर कटिंग देख लेते हैं क्या है, ये मान लो t1 है ये t2 है, तो t2 को अगर ऊपर से भी शुरू कर सकते हो नीचे से भी, तो t अगर ऊपर से करें तो क्या बोलेंगे t1 इज इक्वल टू 1g प्लस kx, ठीक है एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं बिफोर कटिंग, t1 किसके इक्वल था 1g प्लस kx के, अच्छा और ये जो kx है ये इक्वल था 2g प्लस t2 के, अब इसमें कंफ्यूज मत करना कि ये t2 को ना लो, इसको लेना पड़ेगा ना, अगर मान लो ये ना होता तो ये किसको बैलेंस कर रहा था सिर्फ 2g को, लेकिन इस 2g को भी नीचे कोई खींच रहा है तो अब किसको बैलेंस कर रहा है ये 2g प्लस t2 को, और एक्सेलरेट होगा तो क्या लिखेंगे kx माइनस 2g माइनस ऑफ 2g प्लस t2 इज इक्वल टू 2a ऊपर की तरफ, ठीक है तो ये सही लिखना है, फिर उसके बाद t2 किसको बैलेंस कर रहा है 4g को, तो यहां से kx कितना आ गया 4g अगर यहां लिखूं मैं तो कितना आ गया kx, अच्छा चलो अब इसमें ये चीजें हैं, ठीक है अब जस्ट आफ्टर कट क्या होगा किसको कट किया ये भी देख लो, स्प्रिंग इज कट तो स्प्रिंग को कट कर दिया, तो अब टेंशन t1 जो है ना स्प्रिंग को कट कर दिया, तो टेंशन ना हो जस्ट आफ्टर कट तो t1 जो है t1 इज इक्वल टू कितना हो गया t1 अब 1g हो गया, t1 अब 1g के बराबर हो गया, स्प्रिंग नहीं हो पाता था, ठीक है मतलब टेंशन को कट करते थे तो स्प्रिंग जो है एकदम से जीरो एडजस्ट नहीं करता था, लेकिन t1 एकदम से एडजस्ट कर सकता है, इसको काटते ही t1 किसके बराबर हो गया 1g के, तो जब t1 1g के बराबर हो गया, t1 जब 1g के बराबर हो चुका है तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी t1 इज इक्वल टू 1g, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1g कितनी होगी जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ किसकी 1g की 1 किलोग्राम की 1 kg की एक्सेलरेशन कितनी है जीरो, क्योंकि ये तो बैलेंस कर रहा है ये जीरो हो गया यहां पे, तो टेंशन भी एकदम से चेंज हो गया और 1g के इक्वल हो गया, t1 इज बैलेंसिंग दिस 1 kg, तो एक्सेलरेशन इसकी कितनी जीरो, अच्छा इसको कट कर दिया तो ये सब जीरो हो चुका है, अब इनका क्या हो रहा है फ्री फॉल हो रहा है, अब इस पोर्शन का क्या हो गया फ्री फॉल हो रहा है, तो 2kg का क्या होगा, अब ये टेंशन t2 क्या हो गया ये क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक टेंशन t2 क्या हो गया इसको कट करते ही ये फ्री फॉल करेगा, तो 2g इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन फ्री फॉल मतलब g, और इसकी क्या होगी 4g इज इक्वल टू 4a, तो 4 से 4 कैंसिल, इसकी भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, तो इसका मतलब फ्री फॉल करेगा,
इन दो की तो एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स और इसकी एक्सेलरेशन जीरो रहेगी जस्ट आफ्टर कट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कितनी हुई इसकी 1 केजी की, 2 केजी की तो जी डाउनवर्ड्स, 4 केजी की भी जी डाउनवर्ड्स और 1 केजी की कितनी होगी एक्सेलरेशन जीरो फॉर 1 केजी, ठीक है। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये स्प्रिंग वाली चीजें होगी कि स्प्रिंग को कट करें। अब इसमें क्या है, निचोड़ क्या मिला कि अगर मैं स्प्रिंग को डायरेक्टली कट कर दूं या स्प्रिंग को डायरेक्टली कट करूं तो दोनों चीजें इंस्टेंटली जीरो हो जाएंगी, लेकिन अगर स्प्रिंग को कट करता हूं तो स्प्रिंग पे क्या असर होगा, इंस्टेंटली जीरो नहीं होता, लेकिन अगर स्प्रिंग को कट करता हूं तो टी इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। जैसे कि यहां स्प्रिंग को कट किया मैंने तो टी वन जो पहले था इंस्टेंटली चेंज हो गया, किसके बराबर हो गया 1g के, ठीक है। और यहां पर जो इसको स्प्रिंग को कट किया तो ये टी टू भी जो पहले था 4g वो भी इंस्टेंटली चेंज हो गया, फ्री फॉल कर गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे सूडो फोर्स, सूडो फोर्स समझेंगे, लास्ट टॉपिक इन एनएलएम। सूडो फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स इसके बिना सवाल नहीं होता। वैसे तो ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हैं, सूडो फोर्स एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम में करते हैं। इनर्शियल फ्रेम में तो सूडो फोर्स नहीं होती, नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब चीजों को एनालाइज करते हैं तो सूडो फोर्स का इस्तेमाल होता है। दिस विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो विद सम एग्जांपल्स आल्सो।